आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के अवसर पर जन्माष्टमी पूरे उल्लास, धार्मिक सद्भाव, धार्मिक परंपराओं के हिसाब से मनाई गई। शिव की नगरी सिवनी में धर्म यात्रा निकाली गई। यहाँ आप देख सकते हैं दोपहिया वाहनों पर ये यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई गुजरी, जहाँ लोगों के द्वारा इस सभी लोगों का स्वागत किया गया। इस अवसर पर यदुवंशी और चंद्रवंशी दो समुदायों के द्वारा इस यात्रा का आयोजन किया गया। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के अवसर पर जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है, जो सनातन धर्म हिंदू धर्म में सबसे लोकप्रिय एवं भगवान श्री कृष्ण को ये समर्पित होता है। ये समूचे विश्व में भगवान श्री कृष्ण अपने नटखट और चंचल स्वभाव के लिए प्रसिद्ध हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। जन्माष्टमी हर साल देश भर में मनाया जाता है एवं समस्त कृष्ण भक्तों को इस दिन का बहुत बेताबी से इंतजार रहता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्री कृष्ण जन्माष्टमी को प्रतिवर्ष भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की तिथि को मनाया जाता है। कृष्ण भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा नगरी में एक दुष्ट राजा हुआ करते थे कंस, उनके कारागृह में माता देवकी और वासुदेव की आठवीं संतान के रूप में हुआ था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म अर्धरात्रि मध्य रात्रि में रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। द्वापर युग में मथुरा में महाराज उग्रसेन का शासन था, उनके पुत्र का नाम कंस था। एक दिन कंस ने बलपूर्वक उग्रसेन से सिंहासन छीन कर उन्हें कारागार में डाल दिया और स्वयं वहां के राजा बन गए। कंस की बहन देवकी का विवाह यादव कुल के वासुदेव के साथ हुआ था। जब कंस देवकी को विदा कराने के लिए रथ पर सवार होकर जा रहे थे, तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन देवकी को तूने बहुत प्रेम से विदा कर रहा है, उसकी आठवीं संतान ही तेरा वध करेगी। आकाशवाणी सुनने के बाद कंस क्रोध से भर गए और उनके द्वारा देवकी को मारने के लिए तैयारी की जाने लगी। उन्होंने सोचा कि ना देवकी माता होंगी ना ही उनका पुत्र होगा। कंस को वासुदेव जी ने समझाया, तुम्हें देवकी की आठवीं संतान से भय है, इसलिए मैं अपनी आठवीं संतान तुम्हें सौंप दूंगा। कंस ने वासुदेव जी की बात को स्वीकार किया। वासुदेव देवकी को कारागार में कैद कर दिया गया कंस के द्वारा। कंस ने देवकी के गर्भ से उत्पन्न सभी संतानों को निर्दयतापूर्वक उनका वध कर दिया गया। भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में हुआ। उनके जन्म लेते ही जेल की कोठरी दिव्य प्रकाश से जगमगा उठी। भगवान विष्णु ने अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर वासुदेव और माता देवकी से कहा कि आप मुझे तत्काल गोकुल में नंद के घर पहुंचा दो, उनके घर जन्मी कन्या को लेकर कंस को सौंप दो। भगवान श्री कृष्ण के पिता वासुदेव जी ने बिल्कुल वैसा ही किया। कंस ने जब उस कन्या का वध करना चाहा तो वह कन्या कंस के हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और देवी का रूप धारण करके बोली, मुझे मारने से क्या लाभ, तेरा शत्रु और देवकी की आठवीं संतान तो गोकुल पहुंच चुका है। सारा दृश्य देखकर कंस जैसा निर्दयी भयभीत और व्याकुल हो गया, इसलिए उसने भगवान श्री कृष्ण की हत्या करने के लिए, उनका वध करने के लिए अनेक दैत्य गोकुल भेज दिए। भगवान कृष्ण ने अपनी शक्ति से सभी दैत्यों का संहार किया और अंत में उन्होंने कंस का वध कर उग्रसेन महाराज को वापस राजगद्दी पर बिठाया। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। शोभा यात्रा आपको यहाँ दिख रही होगी, शोभा यात्रा यहाँ पर निकल रही है, नाचते गाते लोग यहाँ पर श्रद्धालु आपको दिख रहे होंगे। श्रद्धालुओं को का जगह जगह स्वागत किया गया है। शोभा यात्रा वैसे तो प्रतिवर्ष निकाली जाती है, इस बार शोभा यात्रा का भव्य स्वरूप देखकर लोग वास्तव में धर्ममय हो गए। पूरी शिव की नगरी धर्ममय नजर आ रही थी। पंचांग के अनुसार श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार सामान्य तौर पर रोहिणी नक्षत्र में अगस्त या सितंबर महीने में आता है। भगवान कृष्ण के भक्त जन्माष्टमी को पूरे भारत सहित विदेशों में भी अत्यंत भक्तिभाव और श्रद्धाभाव के साथ मनाते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प पहलू यह है कि दही हांडी का अनुष्ठान जो हर साल जन्माष्टमी पर किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण की सबसे पसंदीदा गतिविधि
दही हांडी उत्सव दर्शाता है, जहां युवाओं का समूह मिट्टी की हांडी रूपी बर्तन को तोड़ता है जिसमें दही भरा होता है। जन्माष्टमी तिथि को मध्य रात्रि तक धूमधाम से इसे मनाया जाता है, क्योंकि मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। जन्माष्टमी के अगले दिन ही दही हांडी उत्सव बहुत उत्साह उमंग उल्लास के साथ मनाया जाता है। हिंदू धर्म के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भक्तों द्वारा व्रत रखकर घर परिवार की सुख शांति की प्रार्थना भगवान श्री कृष्ण सहित सभी देवी देवताओं से की जाती है। जन्माष्टमी के पर्व पर मथुरा को बहुत ही व्यापक स्तर पर सजाया जाता है। यहाँ पर बहुत व्यापक स्तर पर जन्माष्टमी मनाई जाती है, चूँकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान वही है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जन्माष्टमी के दिन व्रत रखने और भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। संतान प्राप्ति, आयु और समृद्धि की प्राप्ति के लिए जन्माष्टमी का पर्व विशेष महत्व रखता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण को जगत पालनहार भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, इसलिए यह पर्व अत्यंत महत्ता रखता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार के पूजन और भजन किए जाते हैं। इस अवसर पर देश भर के देवालयों में विशेष सजावट करके भगवान के जन्मोत्सव को उत्साह के साथ मनाया जाता है। मध्य रात्रि के समय भगवान के जन्म के समय सभी लोग मंदिर में एकत्रित होकर देवालय में एकत्रित होकर पूजन अर्चन करते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरता हुआ ये शोभा यात्रा का पूरा जलसा आप देख रहे होंगे। यहाँ आपको दिखाई दे रहे होंगे साफा बांधे ध्वज लहराते हुए धर्म ध्वजा और भारत के तिरंगे को भी लहराकर लोग अपना उत्साह उमंग प्रदर्शित करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। कितना सुंदर यहाँ पर नज़ारा दिखाई दे रहा होगा, सभी साफा बांधे नज़र आ रहे हैं। और इसके साथ ही यहाँ आपको ये भी दिखाई दे रहा होगा कि कितने अनुशासित तरीके से लोग यहाँ पर इस शोभा यात्रा की गरिमा को बरकरार रखे हुए हैं, बनाए रखे हुए हैं। विभिन्न वाहनों में, दोपहिया चार पहिया वाहनों में लोगों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के जन्म को बहुत ही उल्लास के साथ मनाया गया। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर भक्तिमय आपको वातावरण नज़र आ रहा होगा। पूरा शहर भगवान शिव की नगरी भक्तिमय हो गई, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। शहर के विभिन्न मार्गों से जब ये शोभा यात्रा गुजरी तो लोगों के द्वारा इस शोभा यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं का जगह जगह स्वागत किया गया। बहुत ही अनुशासित तरीके से इस शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जो वास्तव में काबिले तारीफ माना जा सकता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की खबरें अगर आपको पसंद आ रही हैं तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ये कैसे लग रहे हैं। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।